Hello student, welcome to SJS YouTube channel. So in this video, I am going to teach you chapter 6, calculator and notepad. So in this video, you will learn how to use calculator on your computer and about notepad. So first of all, you will learn how to open calculator on your computer. Okay, then we will learn about how to use the calculator, like how to multiply, how to add two numbers, how to do the divisions and so on. Okay, after that you will learn about notepad, how to open it and how to write the text, paragraph and so on in the notepad. And after all, you will learn it, how to save it and how to open the document you have created. Okay children, so let's start the video. Okay, so in this video we will learn about कैलकुलेटर एंड नोट पैड. ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैलकुलेटर को ओपन कैसे करते हैं. ठीक है, तो विथआउट वेस्टिंग टाइम हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेटर खोलने के लिए क्या है इसका स्टेप्स, आप तो यहाँ पे स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज पे भी जाके उसके बाद नोट पैड पर जाके क्लिक कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेटर, और या तो फिर यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैलकुलेटर वो है जो ऑप्शन में आ गया है. तो इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, तो ये हमारा जो कैलकुलेटर है वो ओपन हो गया. इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से कैलकुलेटर जो है हमारे कंप्यूटर पर ओपन हो गया. अब हम लोग को करना क्या है इसमें, इसमें कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो साइन है वो दिख रहा है. ये किस चीज़ का साइन है, डिवीज़न का, ये मल्टीप्लीकेशन है, और ये सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, उसके बाद इक्वल टू. ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स यूज़ करके आप कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल देके आपको समझाएंगे. तो मान लो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है दो नंबर को, तो 8 और 2 को, ये आपके बुक से ही बता रहे हैं, तो 8 और 2 को हम लोग को ऐड करना है. ठीक है, तो ऐड करेंगे हम लोग कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 8 को पहले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे माउस से, फिर 8 हो गया यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है, तो 8 प्लस यहाँ पे 8 प्लस, उसके बाद 2, तो 2 पे हम लोग क्लिक करेंगे सिंपली. अब ये देख सकते हैं आप 8 प्लस यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को 8 प्लस 2, अब हम लोग इक्वल टू पे क्लिक करेंगे. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 प्लस 2 इक्वल टू 10. ओके, उसके बाद है यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स. ठीक है, तो से 4 फ्रॉम 9. ठीक है, तो 9 में से हम लोग 4 को माइनस करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है, 9 माइनस 4, तो यहाँ पे 4 पे क्लिक करेंगे. अब 9 माइनस 4 यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इस पर आप सीधा इक्वल करेंगे, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5. ओके, इजी है. उसके बाद हम लोग को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई नंबर हम लोग चूज कर लेते हैं, 6 और 2. ठीक है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ओके, ऑल राइट. तो यहाँ पे हम एक आपको दिखा देते हैं, 6 उसके बाद मल्टीप्लाई 2. ठीक है, अब इक्वल पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 12 आंसर आ गया. ओके, गुड. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करके यहाँ पे सम्स का यूज़ कर सकते हैं, सम को हम लोग सम कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे तो आप देख लिए, अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा जो ये मिनिमाइज़ है, यहाँ पे हम इसको क्लिक करें तो ये क्लोज नहीं होगा, बट ये मिनिमाइज़ हो जाएगा. ठीक है, अब इसको वापस ले आते हैं फिर से, और ये जो बीच वाला दिख रहा है वो मैक्सिमाइज़ है. यहाँ पे इस तरीके से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, और फिर हम इसको ड्रैग करके जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं. ठीक है, फिर से इसको हम बड़ा कर लेते हैं, तो इस तरीके से हम लोग, और इसके बाद ये जो रेड बटन दिख रहा है ना वो क्लोज बटन है, इसको अगर क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा. ठीक है, तो अभी इसको हम बंद कर देते हैं. उसके बाद हम लोग इसमें सीखेंगे नोट पैड. ठीक है, नोट पैड के बारे में. ठीक है,
तो नोटपैड क्या होता है? नोटपैड एक टेक्स्ट एडिशन, ठीक है, प्रोग्राम है जिसमें हम लोग टाइप करते हैं लेटर्स, सेंटेंस, नंबर्स और कुछ भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट बटन पे इसको ओपन करेंगे नोटपैड को, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद फिर करेंगे एसेसरीज, उसके बाद नोटपैड, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं आप लोग, नोटपैड सिंपली सर्च करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देखें, ये नोटपैड जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नोटपैड का इंटरफेस है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इसमें क्या क्या है। यहाँ ऊपर देखिए फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली कुछ भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइप कर दिया सेंट जोसेफ स्कूल नवादा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सिंपली कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, या तो पैराग्राफ लिख सकते हैं या जो भी आपको लिखना है, ठीक है। आप एंटर बटन इसको प्रेस करके मान लो कुछ भी लिखना चाहते हैं आप इस पर, जो भी टाइप करना है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ भी लिखना है, स्टोरी, पैराग्राफ, ठीक है, ओके। तो अब ये हम लोग टाइप कर लें यहाँ पे। अब इसको हम लोग को करना क्या है, सेव करना है इसको, ठीक है। सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, और एक चीज़ यहाँ पे आप इसको, इस चीज़ को, टेक्स्ट को बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सारे को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद फॉन्ट देखेंगे इसका, ठीक है। फॉन्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको यहाँ पे साइज इंक्रीज कर सकते हैं 20, फिर यहाँ से इटैलिक, बोल्ड कुछ भी दे सकते हैं आप टेक्स्ट को, यहाँ देख रहे हैं ना। फिर यहाँ से इसका जो फॉन्ट होता है वो भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके का फॉन्ट चाहिए आपको, ठीक है। तो इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है, फॉर्मेट में जाकर, ठीक है। आप देखिए बड़ा हो गया लेटर। अब इसको हम लोग को सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो क्या है, टाइटल बार है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन का नाम क्या है, नोटपैड। तो अब ये प्रोग्राम हम लोग का जो बन गया है, अब इसको हम लोग सेव करेंगे। तो फाइल में जाके हम इसको सेव करेंगे, फाइल, अब सेव पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट जाके सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स में। बट हम लोग को अपने नाम से सेव करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को फाइल का नाम देना है, ठीक है। फाइल का नाम देना है, रजनी दे दिए नाम, उसके बाद इसको सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको, अब हम देखेंगे कहाँ पे हमारा जो फाइल है वो सेव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ गया, ये रजनी, आप देख सकते हैं इसको अगर ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, तो देख सकते हैं ये ओपन हो गया, ठीक है। तो बहुत ईजी, आप ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। अब यहाँ पे मिनिमाइज़ है, मैक्सिमाइज़ है, ये क्लोज, अब इसको हम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बंद हो गया हमारा प्रोग्राम, ओके स्टूडेंट। तो बहुत ही ईजी है, आप इसको देखकर समझ सकते हैं, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर क्लास के टाइम आप पूछ सकते हैं, ओके।